सामने खुदावन का है। आज का जो विषय है वो विषय है पवित्रता को सिद्ध करें। मराठीत म्हणायचं झालं तर पावित्र्याला पूर्णता आणो। आज हर एक व्यक्ति मालपाणी में सिद्ध होना चाहता है, एक अच्छा नाम में सिद्ध होना चाहता है, पॉलिटिकल करियर में सिद्ध होना चाहता है, फाइनेंशियल करियर में सिद्ध होना चाहता है। लेकिन हम शुरुआत करेंगे वचन के अनुसार, हमें पवित्रता में सिद्ध होना है। ब्रिंगिंग होलीनेस टू कंप्लीशन, ऐसा एम्पलीफाइड बाइबल में उसका जिक्र है। ब्रिंगिंग होलीनेस टू कंप्लीशन मतलब पवित्रता को सिद्ध करे। जब पवित्रता को सिद्ध करोगे, पवित्र परमेश्वर विराजमान होगे, और जब पवित्र परमेश्वर विराजमान होगे, कायनात की ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुम्हारे दरवाजे तक नहीं आएगी। हर एक बात आपके दरवाजे तक आएगी, क्योंकि अगर उसको खींचना है तो केवल बड़ी बड़ी बातें नहीं, पवित्रता पवित्रता को खींचती है। और ये संसार इतना मिलावटी बनते जा रहा है, आज कलीसिया पवित्रता से कोसों दूर जा रही है। कलीसिया के मैसेज संदेश बदल गए हैं, सारे मैसेज प्रॉस्पेरिटी हीलिंग मिराकल एंड प्रोफेसी के ऊपर है, लेकिन ना रिपेंटेंस के ऊपर है, ना सैल्वेशन के ऊपर है, ना जजमेंट के ऊपर है। अगर प्राचीन कलीसिया का अगर हम स्टडी करते हैं तो उनकी कलीसिया का या उनकी सेवकाई का फाउंडेशन पहले तो था रिपेंटेंस पश्चाताप, उसके बाद उद्धार और उसके बाद न्याय। लेकिन आज सब कुछ कहते हैं कृपा का समय है, हाय तरुण तक हे करुण। लेकिन एक समय आएगा वही ज्ञान का बादशाह समुपदेशन में कहता है, हे जवान तेरे जवानी के दिन में मन चाहा जीवन जी, लेकिन एक समय आएगा तुझे सिंहासन के सामने खड़ा होगा। बहुत जरूरी ये बात है। तो इस विषय के लिए दो वचनों का चुनाव मैंने किया है जो पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई की है। आप मराठी हिंदी दोनों लैंग्वेज में पढ़ सकते हो। दूसरा करिंथियों उसका सातवां अध्याय वचन एक, और दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय वचन तीन और चार। दूसरा करिंथी 7:1, दूसरा पत्रस 1:3-4। पौलाचे करिंथी करा दुसरे पत्र याचा सातवा अध्याय आणि पहिलं वचन, तेव्हा प्रियजनो आपणाला ही अभिवचने मिळाली आहेत, म्हणून देहाच्या व आत्म्याच्या सर्व अशुद्धतेपासून आपण स्वतःला शुद्ध करू आणि देवाचे भय बाळगून पावित्र्याला पूर्णता आणू। पावित्र्याला पूर्णता। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, प्रतिज्ञाएं मतलब वही प्रोफेटिकल मैसेज जो लगातार 2011 से हमें मिल रहा है। ये प्रतिज्ञाएं मिलने के पीछे का मकसद क्या है? व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड द प्रोमिसेस? क्या है उसका मकसद, उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यहां पे बताया गया है, जो प्रतिज्ञा हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप शरीर और आत्मा की सब बलिदान से शुद्ध करो और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। आपको जो प्रोफेटिकल वचन मिलता है वो केवल आपको बरकत मिलेगी, बच्चे मिलेंगे, शादी होंगी, पैसा मिलेगा, उसके लिए नहीं है प्रतिज्ञा। जिसको प्रतिज्ञा मिली ना बाइबल में पहली बार, उसको 25 साल इंतजार करना पड़ा, तब जाके उसे उसकी आशीष मिली। प्रतिज्ञा के पीछे का मकसद यहां पर दिखाई पड़ता है, इसलिए कि हम पवित्रता में सिद्ध हो जाए। हम ब्यूटी पार्लर में तो सिद्ध होकर आए होंगे आज, हम शॉपिंग में सिद्ध होकर आए होंगे, लेकिन क्या पवित्रता में सिद्ध है? मैं परसों पास्टर का वैसे सुन रहा था, पास्टर स्टैच्यू मैथ्यू का गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में नाम है। क्यों नाम है पता है? 8 साल की उम्र से वो प्रचार कर रहा है। और उनका एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो कहता है कि कलीसिया का वो पास्टर होना चाहिए, जब पास्टर प्रचार करे ना तब लोग एक दूसरे के सर के पीछे अपना मुंह छुपाए। ये महीने में एक बार तो होना चाहिए, तो वो जीवित कलीसिया है। शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। और मुझे आनंद हुआ पिछले कुछ दिनों में कुछ लोग एक दूसरे के पीछे छुप रहे थे,
मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया, वाओ कुछ तो काम हो रहा है। अगर आपको यह एहसास हो रहा है तो निश्चय ही बदलाव आएगा, ये आपके लिए अच्छी बात है। हालेलुया। अगर आपको केवल मीठी मीठी बातें सुनाई जा रही है, इससे क्या होगा पता है आपको? शुगर कोटेड मैसेज, जैसे हमारी बहन कहती ज्यादा शुगर मत खा, मेरी माँ कहती ज्यादा शुगर मत खा, शुगर होगी। कुछ लोगों को थोड़ी तकलीफ हो गई तो बोलते जाओ शुगर चेक करो, लेकिन यही बीमारी अगर आगे बढ़ती है, अगर कोई जख्म होता है तो जख्म को गैंग्रीन कहा जाता है, और जब गैंग्रीन होता है तो शरीर का वो पार्ट काटना पड़ता है, तो वो नौबत ना आए इसीलिए आज ही बदल जाओ। हालेलुया। आइए पढ़ते दूसरा पत्रस पहला अध्याय वचन 3 और 4। यहां पर भी हमें परमेश्वर की दी हुई प्रतिज्ञा का मकसद समझ में आता है। पत्रस दूसरे पत्र पहला अध्याय 3 आणि 4 वचन, ज्याने तुम्हा आम्हाला आपल्या गौरवासाठी व सात्विकतेसाठी पाचारण केले, त्याच्या ओळखीच्या द्वारे त्याच्या ईश्वरी सामर्थ्याने जीवनास व सुभक्तीस आवश्यक असलेल्या सर्व गोष्टी आपल्याला दिल्या आहेत, त्याच्या योगे मौलवान व अतिमान अशी वचने आपल्याला देण्यात आली आहे। क्या दिया है? मेरे बाइबल में बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञा दी है, या सटीकी इसलिए कि त्याच्या द्वारे उस प्रतिज्ञाओं के द्वारा, उस वचन के द्वारा, उस परमेश्वर के शब्द के द्वारा तुम्ही वासने पासून उत्पन्न होणारी जगातील भ्रष्टता चुकून ईश्वरी स्वभावाचे वाटेकरी व्हावे। आमेन। हालेलुया। प्रतिज्ञा केवल आमेन हालेलुया मुझे गाड़ी बंगला मिलेगा इसलिए नहीं है बाबा। बाइबल का परमेश्वर यहाँ पे पत्रस के द्वारा, और ये पत्रस है ना, मुझे थोड़ा बहुत अजब ही लगता है, उसने ये पत्र लिखा नहीं है, थियोलॉजी करने वाला कोई भी बताएगा आपको, पत्रस के सारे पत्र मरकुस ने लिखे, क्योंकि पत्रस अनपढ़ गवार था, जो बाइबल जिक्र करती पुरातत्व की किताब में, लेकिन अनपढ़ गवार को पवित्र आत्मा जो बता रहा था कि प्रतिज्ञा के पीछे का उद्देश्य, यहाँ पे वो कहता है कि वो बड़ी प्रतिज्ञा दी गई है ताकि उन प्रतिज्ञाओं के द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार की बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। प्रतिज्ञा, वचन, आज्ञा, परमेश्वर के शब्द का उद्देश्य क्या है पता है? छुटकारा भी पाओ और परमेश्वर के स्वभाव के भी बन जाओ। और अगर ये नहीं होता है ना, तो मुझे आपको बताना है, आपका प्रचार सुनना व्यर्थ है, मेरा प्रचार बोलना व्यर्थ है। यहां पे वचन की नींव पर हमें दिखाई पड़ता है, ये बुनियादी शिक्षा हमें बताती है कि वचन के पीछे का उद्देश्य यहां पे प्रकट किया जाता है। वचन सड़ाहट से, पाप की सड़ाहट से, वासना की सड़ाहट से, अशुद्धता की सड़ाहट से, लालच की सड़ाहट से हमें ना केवल छुटकारा देता है, तो छुटकारा देने के साथ साथ हमें ईश्वरीय स्वभाव का भागीदार बनाता है। अगर ये नहीं हो रहा है तो हम केवल सुनने वाले हैं। पास्टर राजू अल्लाह ने मस्त डायलॉग बताया था ना, बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए वैसा ही सुनने वाले बहुत है, चलने वाले कम है। अच्छा लगा मुझे बात, वो कभी भूलूंगा नहीं भाई। क्या मैं वचन सुनने वाला हूं या चलने वाला हूं? कितने संडे मैंने बर्बाद किए, कितने दिन मैंने बर्बाद किए मेरी समस्याओं में, क्या मैंने उसकी ओर ध्यान लगाया? वचन का उद्देश्य यहां पे हमें दिखता है, परमेश्वर के वचन का मकसद हमें दिखता है, जो छुटकारा देता है, जो हमें उसका सहभागी बनाता है, और उसके साथ साथ जो हमने दूसरा करिन्थियों 7:1 में देखा, हमें पवित्र जीवन में सिद्ध करता है। पवित्र जीवन जीना और पवित्र जीवन में सिद्ध होना बहुत फर्क है। कुछ लोग पवित्र जीवन जो इतवारी लाल संडे को बोल रहे थे, लेकिन पवित्रता में सिद्ध होना जो संडे हो या मंडे हो, वो उसकी ओर देखकर अपने जीवन में उसको ऊंचा उठाता है। आपको सिद्ध होना है या केवल पवित्र जीवन जीना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। और अगर आज हम सुधरेंगे नहीं, आज हम अब गंभीरता से नहीं चलेंगे, तो मुझे आपको बताना है कलीसिया का अंत होने जा रहा है। संसार तो रहेगा ही, संसार नहीं खत्म होगा, कलीसिया उठाने के बाद अब मुझे प्रकाशित वाक्य में नहीं जाना है, उसके बाद 1000 साल का राज्य है, उसके बाद फिर यीशु मसीह का दूसरा आगमन है, ये सारी बातों के बाद संसार का अंत है।
संसार का अंत नहीं अभी होगा, कलीसिया का अंत है। तो उस अंत में भले हम कृपा के समय में, लेकिन हम अंतिम समय में, इसलिए जागरूक हो जाओ। पौलुस कहता है चौकस रहो। वचन में क्या है बताए? वचन में चार बातें हैं, बोलो चार बातें हैं। वचन में है आज्ञा, हम आज्ञा का जो आज्ञा पालन करता है उसके जीवन में खुदावन संतुष्ट होता है। वचन में दूसरी बात है प्रतिज्ञा, अभिवचन। वचनामध्ये आज्ञा है, वचनामध्ये अभिवचन है। और दो बातें वचन में है जो अगर आपको समझ नहीं है, बहुत बार देख चुके, अभी भी देखो, यशायाह नबी का अध्याय 55 और वचन 10 और 11 क्या कहता है। देखो यहां पे वचन के अंदर क्या है ये हमें दिखाई पड़ता है। वचन में आज्ञा है, प्रतिज्ञा है, ये दो बातें हम देख चुके, लेकिन वचन में और दो बेहतरीन बातें, और इन बातों को अगर हम समझेंगे तो निश्चय हम हमारे जीवन में उस तमीज से और डिसिप्लिन से रहेंगे। जल्दी माइक बोलो, माइक बोलो। यशायाह 55 10 ने अगला, यशायाह 55 10 ने अगला, लवकर लवकर पहा, पाऊस व बर्फ हे आकाशातून पडतात आणि पृथ्वी भिजून तिला सफळ व हिरवीगार केल्यापासून, पेरणाऱ्यास बीज, खाणाऱ्यास भाकरी दिल्यापासून ती परत जात नाही, त्याप्रमाणे माझ्या मुखातून निघणारे वचन होईल, ते माझी इच्छा पूर्ण केल्यापासून व ज्या कार्यासाठी मी ते पाठवले ते केल्यापासून मजकडे विफल होऊन परत येणार नाही। बरोबर, हिंदी में दिया, जिस प्रकार से वर्षा और हिमाकाश से गिरते हैं, वहां से वह यो ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उग जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। परमेश्वर ने भेजी हुई बारिश या वो हिम, जिसके द्वारा दो काम होते, बोने के लिए बीज और खाने के लिए रोटी। और आगे कहते हैं, उसी के प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए उसको भेजा गया है उसे वो सफल करेगा। मतलब वचन के दो मकसद अभी दिखते, परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर का काम। फिर परमेश्वर का वचन कौन है? परमेश्वर का वचन कौन है? डरते हो क्या बोलने को? परमेश्वर का वचन कौन है? जोरदार बोले कि लास्ट आएगा माइक में, लगा मुझे कलीसिया का आवाज है। परमेश्वर का वचन कौन है? चार पांच ही आवाज है। परमेश्वर का वचन कौन है? यीशु मसीह जब संसार में आया तो शास्त्री फरीसियों को क्या कहता है? मैं परमेश्वर की, पिता की इच्छा और पिता का काम करने आया हूं। जो मकसद से 2022 साल पहले मरियम की कोख में उसको भेजा गया था, जो सूली पर जाने तक उसने पिता की मर्जी और पिता के काम को अंजाम दिया, और तब का इट इज फिनिश, पूरा हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसका काम, उसकी इच्छा उसने पूरी की। What about you? कितने अभिवचन हमें मिले हैं, कितनी प्रतिज्ञा हमें मिली है, कितने संदेश हमें मिले हैं, क्या वो संदेश के द्वारा हमारे जीवन से पिता की मर्जी और पिता के काम को हमने अंजाम दिया है? अगर नहीं दिया है तो मुझे आपको बताना है, या तो आपके जीवन से वचन का अबॉर्शन हुआ है, या तो वचन को आपने मिसकैरेज कर दिया है। थोड़ा सा मेडिकल प्रोफेशन की बात है, क्योंकि बाइबल कहती है शाऊल नबी के बारे में, परमेश्वर का जो भी वचन उसे मिला उसने उसे जाया नहीं होने दिया। योएल नबी की किताब में ऐसा लिखा है, ढीलों के नीचे, उस कीचड़ के नीचे, उस मिट्टी के नीचे परमेश्वर के वचन को फंगस लगा हुआ है। अगर मेरे अंदर से यीशु बढ़ने, अभी भी मेरे पास अगर उस चलाई में का यीशु है, तो आप मसीह में सालों से बच्चे हो, बाल विवाह का आप सपोर्ट करते हो या विरोध करते हो? बाल विवाह कितने लोग विरोध करता है? बाल विवाह का दोन चार लोग, एखाद्या 5 वर्षाच्या मुलीचं लग्न 30 वर्षाच्या माणसाबरोबर होणार, तुम्ही सपोर्ट करता का? बघा, नीट उत्तर द्या, हो किंवा नाही। किती लोक बाल विवाहाच्या विरुद्ध आहे?
बरोबर ना? फिर यीशु मसीह जब आएगा, हमारा दूल्हा आएगा, वो बाल विवाह नहीं करेगा, उसको परिपक्व वधु चाहिए, वचन रूपी सिंगार से शुद्ध और पवित्र होने वाली वधु चाहिए, जो पवित्रता की सुंदरता में हो, जिसके शरीर के अंग जो मसीह के अंग है उस दूल्हे को आकर्षित करने वाली हो। नहीं तो मसीह आकर देखेगा अभी भी बच्ची है क्या शादी को, उससे में स्वर्ग भी बाल विवाह का विरोध कर रहा है, वो इसीलिए आने के लिए देरी कर रहा है क्योंकि वो देख रहा है कब मेरी दुल्हन तैयार होगी। तेरी आंखें लगी रहे मसीह पर, तुझको लेने वो आएगा, तेरी आंखें लगी रहे मसीह पर, तुझको लेने वो आएगा, कुप्पी में तेल लेके रहना तैयार वरना रह जाएगा, कुप्पी में तेल लेके रहना तैयार वरना रह जाएगा, पापों की नींद में ना सोना, पापों की नींद में ना सोना, दुनिया की भीड़ में ना खोना, जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। दुल्हन जाग जा, अगर दुल्हन अभी भी बच्ची है वो सयानी होने के लिए चले, और परमेश्वर का वचन हमें सयाना बनाता है। उस बच्ची के लिए यीशु मसीह नहीं आएगा, वो छोटे बालक के लिए यीशु मसीह नहीं आएगा, एक परिपक्व दुल्हन के लिए आएगी जिसके चेहरे पे झुरिया नहीं होगी, ना कोई कलंक होगा, जो पवित्रता का वेश धारण की हुई है उसी को सभी मसीहे जाएंगे। सब लोग कहते हम जाएंगे यीशु के साथ। मैं हमेशा अलग अलग प्रांतों में जाता हूं, सवाल पूछता हूं, यीशु मसीह किसके लिए आने वाला है? लोग कहते कलीसिया के लिए आने वाला है, मेथोडिस्ट कहता है हमारे लिए आएगा, सीएनआई कहता है हमारे लिए आएगा, उससे ज्यादा पेंटिकॉस्टल तो रबा रबा करके कहते हमारे लिए जाएगा, ना किसी पंथ के लिए ना किसी डिनोमिनेशन के लिए आएगा। यीशु मसीह आएगा उस पवित्र दुल्हन के लिए आएगा, फिर वो कहीं पर भी हो। आमीन, हालेलुया। घड़ी का काटा आगे जा रहा है और मुझे कुछ बातें डिलीट करने को बता रहा है। आमीन। परमेश्वर के वचन में चार बातें, नंबर एक ध्यान में रखो हमेशा, आज्ञा, प्रतिज्ञा, इच्छा और काम। जब आपके पास वचन आएगा वो वचन कभी आपको आज्ञा देगा, उस आज्ञा का पालन करो। जब कभी वचन आपके पास रोज की फेलोशिप में प्रतिज्ञा को लेकर आएगा, उस प्रतिज्ञा को लेकर दुआ करते रहो, वो प्रतिज्ञा कल पूरी होगी या 10 साल के बाद पूरी होगी, लेकिन पूरी जरूर होगी। वो वचन आएगा मुझे परमेश्वर की मर्जी बता रहा है, और परमेश्वर की मर्जी है कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम पवित्र हो जाओ। वो वचन आएगा मुझे परमेश्वर के काम के बारे में बताता है, जाकर सुसमाचार सुनाओ। वचन में ये चार बातें हैं। अब ये बातें जो समझता है वही अपने जीवन में मसीह के साथ व्यस्त रहता है ना? हम व्यस्त है क्या मसीह के साथ? नाउ आई एम बिजी, काम में बिजी है, लेकिन कोई ये कहेगा मैं मसीह के साथ व्यस्त हूं? वो व्यस्त वाला एक गीत हम लोग गाते थे हमेशा, क्या गीत था? मसीह के ख्यालों में हरदम दिल है दीवाना मेरा। अभी आगे बंद करके अपनी छाती पे हाथ रखकर पूछो, क्या मैं सच में मसीह के ख्यालों में हूं? जिस ख्यालों में आप रहोगे उन बातों का प्रभाव आप पर रहेगा। अगर मसीह के ख्यालों में रहोगे तो पवित्रता का प्रभाव आप पर रहेगा। किसमें व्यस्त है हम? मैं ये नहीं कह रहा हूं काम धंधा छोड़ दो, लेकिन काम करते करते भी जो उसमें डूबा रहता है ना, उसका काम कैसे खत्म होता है उसे पता नहीं चलता। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हमें पवित्र जीवन क्यों जीना है, हमें पवित्रता की सिद्धता को क्यों प्राप्त करना है, उसके पीछे के भी अगर हम देखेंगे तो लगभग चार कारण है। अभी वचन नहीं पढ़ेंगे, अगर हम पहला पत्रस पहला अध्याय 15-16 में पढ़ेंगे तो वहां पे दिया है कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तू पवित्र हो जाओ। मतलब पवित्र जीवन जीने की हमें आज्ञा दी गई है। दूसरी बात अगर हम देखेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों 4:7 में बाइबल कहती है, 4:3 में दिया है कि पवित्र जीवन जीना यह परमेश्वर की हमारी ओर से इच्छा है।
घर जाके पढ़ो इन वचनों को। पहला थिस्सलुनीकियों 4:7 में ऐसा लिखा है कि पवित्र जीवन जीने के लिए हमें बुलाया है। और चौथी बात इफिसियों की पत्री 5:27 में पवित्र चर्च, पवित्र कलीसिया, उस पवित्र दुल्हन के लिए वो आने वाला है और उसी को लेकर जाने वाला है। वहां जाने का गेट पास होलीनेस के बिना नहीं है। तुमने कितना प्रभु के राज्य के लिए दिया, कितनी सेवकाई की, कितने चर्च प्लांट किए, मैंने कितने बपतिस्मे दिए, मैंने कितने लीडर्स खड़े किए, इस पर मैं नहीं जाऊंगा। मेरा और आपका गेट पास पवित्रता है। और आज ये संदेश कलीसियाओं से गायब हो गए। मुझे परमेश्वर के महान दास एसा मनोहर का एक स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगता है। वो कहता है आज पूरी दुनिया में सेवकाई किया हुआ सेवक बैंगलोर में रहते, वो कहते कि मेरी इच्छा क्या है पता है, जब मेरे बच्चे संसार में जाए या बड़े हो तब वो लोगों को ये नहीं कहे कि मेरा बाप एक परमेश्वर का महान दास है, मेरा दास दुनिया में सेवा करके आया है, मेरे बाप के द्वारा अद्भुत चिन्ह चमत्कार हुए। वो कहते मुझे ये गवाही बिल्कुल नहीं चाहिए, मेरे बच्चे जाकर ये कहे मेरा बाप मैं उसको जानता हूं, मैं पवित्र परमेश्वर का सेवक है। बस ये गवाही देने लिए काफी है, क्योंकि यही गवाही मुझे यीशु के सिंहासन के सामने उसकी ओर देखने के लिए सहायता करेगी। उस इतना छू गया और मैं वो बाप का किरदार निभाते वक्त जब कुछ बातें आती है तब उस वक्त मैं सुली उठाता हूं, नहीं मेरे बच्चे जिनको मैंने परमेश्वर को समर्पित किया है, अगर मेरा समर्पण है तो वही परमेश्वर के पीछे चलेंगे। अगर मेरे जीवन से वो गवाही नहीं है तो मेरा कोई हक नहीं कि मेरे बच्चे भी परमेश्वर की राह पे चले। बहुत जरूरी बात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं रात को जब कुछ लिख रहा था, मैं पढ़कर बता रहा हूं, मुझे इतना छुआ वो बात। लगभग 4:15 के करीब मैं बातें जैसे कोई बता रहा है मैं सुन रहा हूं और मैंने लिखना शुरू किया है। मैं पढ़ के बताता हूं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को अगर, वचन को अगर हम सबसे अधिक महत्व देते हैं तो यह प्रतिज्ञा जो 2 कुरिन्थियों 7:1 में हमने पढ़ा है उसके द्वारा हमें शुद्ध जीवन जीने की सहायता करती है। गौर से सुनो बच्चे लोग, अगर आपके डिस्टर्ब कर रहे तो उनको पकड़ के रखो, बच्चों को कहो आज के दिन मुझे वचन सुनने दे। प्रतिज्ञा के द्वारा शुद्ध जीवन जीने की सहायता करती है और यही शुद्ध जीवन से हमारे जीवन में परमेश्वर का भय बना रहता है। ये मैंने सुना और लिखना शुरू कर दिया। अब जो परमेश्वर के भय में इस कदर बना रहता है वो मिस्र में जो यूसुफ था उसके समान पवित्रता को सिद्ध करता है और यही सिद्ध पवित्रता हमें यूसुफ के समान उच्च स्थान में आदर सम्मान और एक योग्य जीवन देता है। यूसुफ को प्रतिज्ञा मिली कि वो लीडर होगा, उसके भाई बहन मां बाप उसको नमन करेंगे। जब ये प्रतिज्ञा उसको दर्शन में आई तब उसका मजाक उड़ा लिया गया। इसी प्रतिज्ञा के वजह से उससे उसके भाई नफरत करने लग गए। इसी प्रतिज्ञा के वजह से उसे अपने बाप से दूर कर दिया गया। इसी प्रतिज्ञा के वजह से गुलाम बनाकर भेज दिया गया। और उस वक्त जब उसकी मालकिन कहती कि मेरे साथ हम बिस्तर हो जा, तब वो कहता है तेरे साथ ये कुकर्म करके क्या मैं उसके दृष्टि में दोषी बनूं। परमेश्वर का भय प्रतिज्ञा परमेश्वर की शुद्धता को और भय को बरकरार करती है और इस भय के अनुसार जो जीवन जीता है पवित्रता में सिद्ध होते होते वो उस देश के जेल में गया, लेकिन एक दिन आया यही पवित्रता की सिद्धता उस देश का राष्ट्रपति उसे बनाता है। स्पेशली जवानों के लिए बिशप डॉक्टर आमोस सिंह ने कहा है 2022 साल ये जवानों के लिए बहुत खतरनाक साल है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं अगर जवान पवित्रता में जीवन जीता है तो शैतान के लिए हमारे जवान खतरनाक बनेंगे। हालेलुया।
कोई शस्त्र चाहिए तो वो पवित्रता का शस्त्र। मेरी सोच पवित्र हो जाए, मेरी निगाहें पवित्र हो जाए, मेरे हाथ पवित्र हो जाए, मेरे कदम पवित्र हो जाए, मेरे कान पवित्र हो जाए, मेरी संगति पवित्र हो जाए, मेरे विचार पवित्र हो जाए। और जो इस कदर पवित्रता में जीवन जीता है, शैतान का कोई चूहा उस पर काम नहीं करेगा। बिकॉज ऑफ होलीनेस हम विषयों में कितने कुकर्म करते हैं। यीशु मसीह ने फरीसियों को स्पष्ट कहा, आप तो व्यभिचार की बात करते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को देखकर अगर उसके दिल में वासना आती है तो उसने हृदय में उसके साथ व्यभिचार किया है। हम इस संसार में और आत्मिक संसार में उस पवित्रता का उजाला दे ताकि स्वर्गदूत और नर्कदूत भी हमें जाने कि ये लोग है जो पवित्र जीवन जीने वाले हैं। हालेलुया। बाइबल की प्रतिज्ञा कब पूरी होती है पता है आपको? किसी पास्टर ने बोला इसलिए पूरा होता है, किसी भविष्यवक्ता ने इस प्रतिज्ञा के वचन को लेकर प्रार्थना की या भविष्यवाणी की, इस पर पूरा होता है क्या? अगर आपको कोई चीज बहुत रस्ते का माल सस्ते में मिलता है तो वहां पे छोटे से सर ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है TNC अप्लाई, या मराठी में लिखा होता है शर्त नियम शर्त आटी लागू, प्रतिज्ञा पूरा होने के लिए टर्म्स कंडीशन लागू है। आप कोई भी प्रतिज्ञा उठा कर लो, हम लोग प्रतिज्ञा भी सोचे तो हमारे सामने आता है अनुवाद 28 व्यवस्था ग्रंथ 28 ड्यूटरमनी 28। बाइबल कहती कि अगर तू अपने परमेश्वर की वाणी सुनेगा तो आशीष तेरे पीछे दौड़ कर आएगी। और आज के प्रश्न में क्या करते, रिसीव ब्लेसिंग। ब्लेसिंग के लिए हमें शर्तों को पालन करना होगा। इस हॉल में हम लोग आए, यहां पर भी कुछ बातों का पालन करने की वजह से हमें अनुमति मिलती है आने की। प्रतिज्ञा आपके जीवन में बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा आपके लिए, जो ब्लेसिंग की प्रतिज्ञा आपके लिए, बरकत की प्रतिज्ञा जो शायद इन सालों में आई है वो पूरी क्यों नहीं पता है? आप शर्तों पर खड़े नहीं उतरे। जो शर्तों पर खड़े उतरे ना, ब्लेसिंग उनके दरवाजे पर आकर नॉक कर रही है। आज क्यों नहीं खड़े उतरे आप? हम केवल प्रतिज्ञा को देखकर हालेलुया आमीन करते, लेकिन क्या शर्त क्या है? यहोशु को क्या कहा? तू जहां जाएगा तेरा परमेश्वर तेरे साथ होगा। ये वचन लेकर काम नहीं होगा, उसके पहले अगर तू अपने मार्ग में उसका आदर करेगा, हिम्मत ना छोड़ेगा, तेरा मन कच्चा नहीं होगा तो तेरा परमेश्वर तेरे साथ होगा। जब जब तब आता है ना, तब समझना शर्त आई हुई है। और इस दूसरा कविता 7:1 की शुरुआत की गई है कि जो अभिवचन आपको मिला है, प्रतिज्ञाएं आपको मिली है, तो आपको क्या लगता है यहां पे कौन सी प्रतिज्ञाओं का जिक्र किया जा रहा है? चलते दूसरा कविता 7:1 के पास पढ़ो, क्या शुरुआत है उसकी? तेव्हा प्रियजन आपणाला हे अभिवचने मिळाले आहे, म्हणून देहाच्या व आत्म्याच्या सर्व अशुद्धतेपासून आपण स्वतःला शुद्ध करू। बस क्या काय म्हटलंय? अभिवचन का अभिवचने? अभिवचने एक वचन आहे का अनेक वचन आहे? अनेक वचन म्हणजे अनेक अभिवचने दिलेली, अनेक प्रतिज्ञा आहे। कोण सी प्रतिज्ञा दिली? तो इसीलिए सिर्फ इक्का दुक्का वचन नाही पडणे का। गो टू द कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ में जाओ तो आपकी लाइट लगेगी कि ये कौन से अभिवचन के बारे में बात है। सुनो, गौर से सुनो अभिवचन की ओर, ध्यान से सुनो अभिवचन क्या है। और वो अभिवचन हमें इसी दूसरा कृतियों का 6 अध्याय, मतलब जहां पे 7वां अध्याय खत्म हुआ ना, उसका थोड़ा सा हल्का सा ऊपर जाओ और वचन 14-18 जरा थोड़ा सा पढ़ो क्या कहता है। 14-18 नहीं भी पढ़ेंगे तो आप 16-18 पढ़ो। देवाच्या मंदिराचा मूर्ती बरोबर मेळ कसा बसणार? आपण तर जिवंत देवाचे मंदिर आहोत। ओके, देवाने असे म्हटले आहे की मी त्यांच्यामध्ये वास करून राहीन, मी त्यांचा देव होईल व ते माझे लोक होतील। ओके, आगे म्हणून त्यांच्यामधून निघा, वेगळे व्हा असे प्रभू म्हणतो, आणि जे अशुद्ध त्याला शिवू नका म्हणजे मी तुम्हाला स्वीकारेल। हे नए साल के लिए अभिवचन है आपके लिए। आणि मी तुम्हाला पिता असा होईल आणि तुम्ही मला पुत्र व कन्या असे होताल। ओके, असे सर्वसमर्थ प्रभू म्हणतो।
मोबाइल आपके बज रहे तो साइलेंट करो प्लीज। अभी आप कहेंगे पास्टर इसमें अभी प्रतिज्ञा किधर है, प्रॉमिसेस किधर है, कुठे अभिवचन है? अच्छा छह अभिवचन है, छह प्रतिज्ञा है, छह प्रॉमिस है, छह प्रॉमिस और तीन शर्तें। थोड़ा गणित भाषा में समझाऊंगा मैं। छह प्रॉमिस में पहला प्रॉमिस क्या आता है पता है? मैं उनमें बसूंगा, या मराठी में दिया मैं उनमें वास करूंगा। आप में आपके रिश्तेदार वास करे क्या? आपका सच्चा रिश्तेदार वास करे क्या? चॉइस है आपकी, सच्चा रिश्तेदार। किससे आपका रिश्ता है? ये गीत तो बहुत साल पहले हम लोग बहुत गाते थे, यीशु से मेरा ये रिश्ता लहू का। लेकिन दुनिया के लहू के रिश्ते के नाते हम बर्बाद हो गए। चप्पल उठा के मांगने की नौबत आ गई है, लेकिन गीत क्या गाया? यीशु से है रिश्ता। यीशु मसीह ने कितना कड़वे भाषा में लूक 14:25 में कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने माँ बाप भाई बहन रिश्ते नातों का इनकार करे, इवन खुद का इनकार करते हुए अपनी सूली उठाकर चले, तो वो मेरा चेला हो सकता है। लेकिन इसका मतलब क्या, रिश्ते नाते को हमको फेंक देना है क्या? रिश्ते नातों को छोड़ना है क्या? नहीं। क्यों नहीं छोड़ना है? क्योंकि वो हमारे परमेश्वर के लोग हैं। लेकिन मेरा पहला रिश्ता यीशु के साथ है। आमीन। पहले प्रतिज्ञा, पहला अभिवचन, मैं उनमें वास करूंगा या मैं उनमें बसूंगा। दूसरा अभिवचन, मैं उनका परमेश्वर होगा। तीसरा अभिवचन, वे मेरे लोग होंगे। चौथा अभिवचन, मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। इस चौथे अभिवचन के पास आता हूं ना तो कुछ अलग लगता है क्या? आपने यीशु को ग्रहण किया है क्या? नहीं। Yes. आपने यीशु को ग्रहण किया है? Yes. बपतिस्मा लिया है? Yes. कोई रेगुलर, कभी कभी कोई सीजनेबल चर्च को आता है, ग्रहण किया है ना? लेकिन यह अभिवचन थोड़ा अलग है। आपने ग्रहण किया है, क्या उसने आपको ग्रहण किया है इसकी कोई आपके पास कंफर्मेशन है? गीत क्या गाते थे? आज थोड़ा म्यूजिकल मैसेज हो रहा है। तू मेरा है मैं तेरा हूं। लेकिन क्या मैंने उसको ग्रहण किया? क्या उसने मुझे ग्रहण किया है क्या? क्या वन वे ट्रैफिक का लव है? वन साइड लव है क्या? वन साइड लव क्या करता है? बर्बाद करता है, या तो उस पार्टनर को वो मारता है, नहीं तो खुद फांसी लगा के खत्म कर रहा था अपने जीवन को। लेकिन जब हम प्रेम करते हैं, वो कहता है मैं भी तुझसे प्रेम करता हूं। कुछ लोगों के पास एक ही मैसेज है, जीसस लव्स यू, फिनिश। लेकिन वो कब प्रेम करेगा? जब हम उसकी इच्छाओं को पूरा करें। आमीन। ये चौथा अभिवचन बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर हमें ग्रहण करेगा ना, उसका अगर एक एग्जाम्पल देखना है ना, शायद दुनिया के ठुकराए हुए लोग हो गए आप, शायद कोई आपको एकदम तुच्छ समझते हैं, शायद आपको कोई कीमत नहीं देते, आप कहीं पर भी रहने वाले हो, लेकिन जब प्रभु ग्रहण करता है ना, तब हन्ना ने एक गीत लिखा है, उसने मुझे कूड़े से उठाकर अधिपतियों की संगति में बिठाया। हालेलुया। कूड़े से उठाया मुझको यीशु ने, पापों से छुड़ाया मुझको यीशु ने, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। जब वो ग्रहण करता है ना, तो हमारी औकात नहीं है, ऐसी जगह पे वो ऊंची उड़ान लेता है, हम सोच नहीं सकते ऐसे स्थान पर वो लेके जाता है। वो ग्रहण करना बहुत जरूरी है। इस साल की प्रार्थना रोज करो, प्रभु जाने अनजाने कुछ मैं गलत चल रहा हूं या गलत चल रही हूं, मुझे वो आशीष दे
कि तू मुझे हर दिन ग्रहण करे। ग्रहण करना मतलब क्या? वो स्वर्गदूतों को कहे, देख ये व्यक्ति है, ये पुणे शहर की ये व्यक्ति है, इस एरिया की व्यक्ति है, जिससे मैं बहुत प्रेम करता हूँ और इसे मैं रोज ग्रहण करता हूँ, इसे मैं रोज अपनाता हूँ। मराठी दिले मी त्यांना स्वीकारीन। तुम्ही त्याला स्वीकारले पण त्यांनी तुम्हाला स्वीकारले का? आज ऐसे प्रचारक है, कैसा भी जीवन जियो वो बहुत प्रेम करता है, कृपा को लाइसेंस ही बना दिया है, कैसा भी करो अफ्रीकन टीचिंग आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके भविष्य के पाप भी क्षमा किए गए, ऐसी शिक्षा आ रही है। यीशु मसीह ने योहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में पिछले हफ्ते में थोड़ा अध्ययन कर रहा था, एक टॉपिक बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं नए साल में एमपी वालों के लिए। यीशु मसीह ने कहा कि मैं दूसरा सहायक भेजूंगा, मराठी के लिए दूसरा कैवारी, राइट। फिर पहला कैवारी कौन है? पहला सहायक पहला सबने बोला कि आई का लक्ष्य। पहला सहायक कौन है? जोर से बोलो, प्रभु यीशु ख्रिस्त। दूसरा सहायक पवित्र आत्मा। फिर पहले सहायक का काम और दूसरे सहायक का काम बहुत जबरदस्त है। पहला सहायक क्या करता है पता है? पहला सहायक मेंटेनेंस करता है और दूसरा सहायक एक्टिव करता है। मतलब पहला सहायक जो हमारे लिए सूली पे मारा गया, गाड़ा गया, जिलाया गया, उसके लहू के द्वारा पापों की क्षमा का अनुग्रह भी मिलता है। हमें अतीत के, भूतकाल के, पास्ट के पापों की क्षमा हमें पहला सहायक देता है, दूसरा सहायक हमें पवित्र जीवन जीने के लिए सहायता करता है। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा केवल बड़े बड़े वरदानों के लिए नहीं दिया गया है, केवल अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए नहीं दिया गया है, हीलिंग मिरेकल करने के लिए पवित्र आत्मा नहीं दिया है। तो पवित्र आत्मा का मकसद यह है कि यीशु के लिए पवित्र दुल्हन बना दी जाए। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं अन्य भाषा में बात करता हूँ, पौलुस कहता है बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करता हूँ, लेकिन मेरे अंदर वो परमेश्वर का प्रेम नहीं, व्यर्थ है। कुछ चर्चे बताते हमारे इधर बहुत जोर से पवित्र आत्मा में भाषा बात किए जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन चरित्र क्या है? पवित्र आत्मा का काम है चरित्र को संवारना, जो दूसरा सहायक है। पहले सहायक का काम है जो चरित्र खराब हुआ है उसको रिपेयर करना। सिंपल वे में बता रहा हूं मैं। और जब ये बातें मैं प्रचार अध्ययन कर रहा था और उसके दूसरे या तीसरे दिन मैंने भाई सूरज प्रेमाणी का मैसेज देखा, सेम बात वो बता रहे। मैं बोला प्रभु धन्यवाद कि तूने मुझसे राइट बात की। शायद उनके मैसेज का टाइटल था 2022 का मैसेज, मैं थोड़ा फ्री बैठा था, उन्होंने शुरुआत ही उस पर की। मैंने प्रभु को धन्यवाद कि कंफर्मेशन मिलना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। सोए हुए कहेंगे हालेलुया। जो वचन में एंजॉय कर रहे वो जोर से कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। पांचवी पति क्या है? मैं तुम्हारा पिता होगा। और छठी पति क्या है पता? तुम मेरे पुत्र और मेरी कन्या होगी। आपको परमेश्वर का भक्त बनना है या आपको परमेश्वर के पुत्र और कन्या बनना है, ये आपकी चॉइस। ये छह प्रतिज्ञा के लिए तीन शर्तें। कितनी शर्तें बोलो? तीन शर्तें। अगर आप तीन शर्तों का पालन करते हो तो आपको छह प्रतिज्ञा मिलती है। और इस शर्तों का पालन करते करते एक समय आएगा, आप नहीं चलोगे तो वो आप में वास करने वाला, वो आपके साथ कदम बढ़ाएगा। एक समय आएगा जो आपको कोई नहीं जानता था, आपका परमेश्वर यीशु मसीह बन जाएगा। जो कोई आपको पहचानता नहीं था, आप स्वर्ग के लोग बन जाओगे। आपको किसी ने भले ग्रहण नहीं किया होगा, परमेश्वर आपको हर दिन ग्रहण करेगा। आपका पिता इस संसार से चला गया होगा, लेकिन यीशु के जन्म की भविष्यवाणी है, वो सनातन पिता होगा और छठी बार आप उसके पुत्र और कन्या बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या आनंद होगा क्या? जेन्युइन काम करना है इस साल में, इसीलिए परमेश्वर छल्ली का काम भी कर रहा है। आटा साइड में हो रहा है और कचरा साइड में हो रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ये अभी शर्तें क्या है? तो शर्तों के लिए आपको 14 वचन पढ़ना पड़ेगा, 15 वचन। ख्रिस्ताशी बलियाराशी नहीं 15 वचन 15 वचन। हाँ, जितने दिले ना वेगळे वा। हाँ हाँ,
17 वचन म्हणून त्यांच्यामधून निघा, म्हणून त्यांच्यामधून निघा. उनके बीच से निकलो शब्द नंबर एक, व वेगळे व्हा अलग हो जाओ शब्द नंबर दो, असे प्रभू म्हणतो. आगे आणि जे अशुद्ध त्याला शिवू नका. नंबर तीन अलग होना, क्या क्या पढ़ा आपने, उनके बीच से निकलना और अलग होके छूना मना है. वाचा बाबडीत पद म्हणून त्यांच्यामधून निघा, निघा व वेगळे व्हा, वेगळे व्हा आणि स्पर्श करू नका, आणि जे अशुद्ध त्याला शिवू नका, शिवू नका. ये तीन शब्द है, लेकिन किसके बीच में से अलग हो जाए, किनके बीच में से निकलना है और कौन सी चीज को छूना नहीं है. अगर ये तीन चीज, ये तीन शब्दों को अगर ये साल या यीशु आने तक अगर आप फॉलो करोगे ना, तो अभिवचन पहला है परमेश्वर आपने वास करेगा. आमेन. अभिवचन दूसरा है मैं उनका परमेश्वर रहूंगा. अभिवचन तीसरा है वे लोग मेरे लोग होंगे. अभिवचन चौथा है मैं उनको ग्रहण करूंगा. अभिवचन पांचवा है मैं तुम्हारा पिता होऊंगा. अभिवचन छठा है तुम मेरे पुत्र और कन्या होंगे. आमेन. ये छह बातों के लिए तीन बातें बहुत जरूरी है. फिर अगर उनके बीच से निकलो, मतलब किनके बीच से निकलो, उसके लिए 14 वचन पढ़ो. सारे कॉन्टेक्ट ऊपर नीचे ही है, पढ़ो. तुम्ही विश्वास न ठेवणाऱ्या बरोबर हाँ संबंध जोडून विजोड होना. आज बड़े पैमानों में अन्य जातियों के साथ रिश्ता जोड़ा जा रहा है. परमेश्वर के बच्चे कहलाने के बावजूद, स्तुति आराधना सेवा करने के बावजूद, अपनी मनमानी के लिए अपना मन का यार ढूंढकर उसके साथ, फिर वो अन्य जाति का हो, अन्य परमेश्वर की उपासना करने वाला हो, ऐसे लोग बन गए हैं. तो ये हमें सतर्क किया जा रहा है. ऐसे लोग हैं, शायद हम वहां पे आकर्षित हो गए, शायद हम लोग इमोशनली अटैच हो गए. अगर आपको लगता है परमेश्वर आप में वास करे, ऐसे लोगों से अलग हो जाओ. आमेन. बहुत सारे लोग है ना इसको पर्दा डालने वाला काम करते. हमने एक आत्मा जीता है. मैं परसेंजन को बोला कुछ नहीं, एक आत्मा जीता है. वो आत्मा है तेरे अंदर, कितने आत्माएं लेकर आता है वो देख. आगे कारण नीति व स्वैराचार यांची भागी कशी होना, उजेड व अंधार यांचा मिलाप कसा होणार, ख्रिस्ताची बलियाराशी एक वाक्यता कशी होणार, विश्वास ठेवणारा व विश्वास न ठेवणारा हे वाटेकरी कसे होणार, देवाच्या मंदिराचा मूर्ती बरोबर मेळ कसा ला बसणार. बस एकदम लास्ट पॉइंट पर आले. हम तीन बातें शर्तों में दी गई है. शर्तों में ये तीन बातों में हमको बताया गया है, उनके बीच में से निकलो, अलग हो जाओ और अशुद्ध को मत छुओ. फिर उनके बीच में से निकलो, मतलब वहां पर मेरी हिंदी बाइबल में बताया गया है वो संगति या मेलजोल ऐसे लोगों के साथ है जो मुझे यीशु से दूर लेकर जा रहे या मुझे संसार का बना रहे. मुझे उनको त्यागना नहीं है, लेकिन मुझे मेरी संगति को कहीं ना कहीं मर्यादा रखनी होगी. और उस एक जगह पे ऐसा ही कहता है, अगर हम किसके साथ मेलजोल नहीं रखेंगे तो हमको संसार से जाना पड़ेगा. आपको काम के लिए, बिजनेस के लिए, एजुकेशन के लिए, हर एक बातों के लिए अन्य जातियों के लोगों के साथ रहना पड़ेगा, लेकिन आपके पास लिमिट्स होना चाहिए. अगर आप लिमिट्स को क्रॉस करोगे तो आप फंस सकते हो. इसीलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ऑनलाइन सेशन में भी देख रहे, आज भारत की कलीसियाओं की ये कमजोरी है कि आज भारत की कलीसियाओं की लड़कियां आज अन्य जातियों के साथ विवाहबद्ध हो रही है. और आज उनको ये बात लगती है कि ये बहुत बड़ी बात है, मुझे एकदम एजुकेटेड पर्सन मिला है. लेकिन जो परमेश्वर पवित्र की इबादत करने वाले वही अन्य जातियों के साथ आज कहीं ना कहीं अपने जीवन को कलंक लगा रहे. इसीलिए नए साल में जो विवाहित नहीं है, जो जवान है, उनके लिए संदेश ये है, भले कितना ही शाहरुख खान से भी हैंडसम क्यों ना हो, लेकिन मुझे देखना है क्या ये मसीह के साथ वफादार है. फिर उसके नाक के ऊपर से प्लेन भी उड़कर गया होगा ना, नो प्रॉब्लम. लेकिन अगर वो मसीह के साथ ईमानदार है, बिंदास उसके साथ आप शादी कर सकते. प्रेज़ द लॉर्ड. आमीन. दूसरी बात यह है, अलग हो. अलग होने के लिए मेरे हिंदी बाइबल में दिया है लगाव.
और नाता। आज मेरा लगाव कौन सी चीज से, किस बात से मैं लगाव रखता हूं? आज ये गलत लगाव के वजह से क्या हो गया पता है? बाहर की दुनिया का नहीं पता, लेकिन मसीहत में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और बिफोर मैरिटल अफेयर्स मतलब नाजायज रिश्तों का जन्म हो रहा है। ऐसी ऐसी बातें कानों पर सुन रही है हम लोग, लेकिन हम लोग इस पॉइंट को लेकर इस साल से जो हम लोग नाइट प्रेयर करें, हम दुआ करेंगे प्रभु कलीसियाओं में से ये गंदी गवाही को मिटा दे। कुछ मैन ऑफ गॉड के बारे में ये सारी बातें खुलकर आ रही है। इसीलिए यीशु ने कहा है मेरी ओर देखो ना किसी इंसान, मेरी ओर भी आप मत देखो, यीशु की ओर देखो। आप इंसान की ओर देखोगे निश्चित आप निराश होगे, लेकिन आप यीशु की ओर देखोगे तो निराशा में आशा पाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें इन लोगों से अलग क्यों होना है? बाइबल कहती है पहला करिन्थियों 15:33 में बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। वाइट संगति ने नीति बिगड़ते। आज हम लोग बहुत अमीर दोस्तों में जाके गप्पे मारेंगे या वहां नॉनवेज बात करेंगे, बहुत फकर की बात लगती है क्या? हाँ, बड़ी बड़ी बकवास बात करेंगे बहुत अच्छी बात लगती है क्या? लेकिन बाइबल कहती है स्वर्ग से परमेश्वर हर एक के हृदय को टटोलता है, हर एक बात लिखी जाएगी और उस पर तुम्हारा न्याय होगा। कुछ लोग अपनों के साथ संगति में मेल मिलाप नहीं करते, लेकिन अन्य जाति के दोस्ती के साथ ताली मार मार कर घंटों बात करते हुए टाइम बिताएंगे। लेकिन एक समय आता है यही कुसंगति उनके जीवन में एक अच्छे चरित्र को बिगाड़ने का कारण बनती है। एक नई स्टाइल आई है ना फेसबुक पे, हम देखते हैं बेस्टी एंड बेस्टिया, माय बेस्टी। वो बेस्टी या बेस्टिया, क्या वो परमेश्वर के भय में है? आपका बेस्टी आपका बेस्टिया यीशु मसीह है, वो एक दोस्त हमारा जिसने हमारे लिए सब कुछ दे दिया है। आप कहिए पास्टर नए साल कुछ तो भी गुलाब जामुन खिलाओ, लेकिन जो परमेश्वर की आत्मा ने लीड किया है वही बात करेंगे। अलग हो जाओ उन लोगों से, फिर वो मित्र हो सहेली हो संसार रिश्ता हो जो भी हो, उससे हमें अलग होने के लिए कहा गया है। उस गलत राह के लोगों से, उस गलत लगाव से हम लोग कभी कभी दोस्त यारों में इतने लगाव में बहकर जाते हैं, हमारे माँ बाप को कुछ बातें बता देने या ऐसी बातें कर चुके होते। ये गलत लगाव कहीं ना कहीं हमारा रिश्ता खुदा के साथ तोड़ सकता है। आपके बिजनेस के पार्टनर, आगे जाके बिजनेस करोगे जो कर रहे, आपके बिजनेस के पार्टनर भले ना हो, अगर रत्य हो तो मुझे आपको बताना है विश्वासी होना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते क्या होता है उसको बदलते बदलते यही बदल जाता है। आमीन। अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, ऐसा दिया है ना, अशुद्ध वस्तु छुओ ना का। और उसके साथ आगे ज्वाइन करके बताया मूर्ति का और मंदिर का क्या मिला। ये मूर्ति क्या है आज के दिनों में ना, एक सबसे बड़ी मूर्ति मसीहों के जीवन में राज करती है। कौन सी मूर्ति होगी? हाँ, स्वभाव में हम ही हम है, बाकी सब पानी कम है। एटीट्यूड, अहंकार, गर्व। और उस एटीट्यूड में जवान बड़े पैमाने में फंसे हुए, उनको बड़े छोटे की कदर नहीं रही। उनको लगता है हम लोग दो पैसे कमा रहे, जिनको पहले हमारे सामने अपने नाक में से निकलने वाला लिक्विड निकालने की सुधि नहीं थी। अगर वो ही अगर एटीट्यूड में आकर चलेंगे तो ये एटीट्यूड बर्बाद करेगा। ये मूर्तियां है। आप बोलेंगे ये कौन से विषय पर? आप बोलेंगे पढ़ो गलिसियों की पत्री 3:5 क्या कहता है। यहां पे मूर्ति की मूर्ति पूजा करी गई है। क्या है मूर्ति? और अगर किसी को मिला तो यहेजकेल का 14 भी निकाल के रखो। यहेजकेल 14 तर पृथ्वीवरील तुमचे अवयव म्हणजे जार कर्म, अमंगळपणा, काम वासना, कुवासना व लोभ याला मूर्तिपूजा म्हणावे।
हे जीवे मारा त्यामुळे देवाचा कोप होतो. उसका गला घोट दो बोला है. अगर आपका एटीट्यूड आपको लीडरशिप को तोड़ रहा है, अगर आपका अहंकार आपका ईगो आपके प्रति लोगों के मन में कड़वाहट को लेकर आ रहा है, उस एटीट्यूड की मूर्ति का गला घोट दो जो हमने बनाई है. क्योंकि इस मंदिर का मूर्ति का कोई मेल नहीं है, क्योंकि इस मंदिर का राजा और प्रभु यीशु मसीह है. आमीन. इस मंदिर के लिए उसने 2022 साल पहले अपने जीवन का बलिदान दिया है. मैंने यजकेल 14:4 पासून पुढे वाचा. यजकेल 14:4 पासून यजकेल 14वा अध्याय 14 वचन. याकरिता त्याशी बोल, त्यास सांग की, त्याला सांग की प्रभु परमेश्वर म्हणतो. प्रभु परमेश्वर कहता है, राजू ठाकूर नाही कहता है. इस्रायल घराण्यातील जो कोणी आपल्या हृदयात मूर्ती वागवतो. किधर रखी मूर्ती? हृदयात. हृदय में क्या है? हृदय में. कौन सी मूर्ती है? अहंकार, एटीट्यूड, एटीट्यूड, लोभ, लालच. मेरी इच्छा पूरी हो, मैं कहता हूं वैसा ही होना चाहिए. किधर रखा है ये मूर्ति? मंदिर में है क्या? हृदय में. हृदय में. आगे क्या लिखा है पढ़ो. आपले पापजनक अडखळण आपल्या नेत्रासमोर ठेवतो आणि संदेशाकडे येतो. त्यास माझे उत्तर त्याच्या मूर्तीच्या संख्येच्या मानाने मिळेल. जितनी मूर्तियां रहेगी, अहंकार की हो, ईगो की हो, एटीट्यूड की हो, लालच की हो, अशुद्ध काम की हो, अपनी मनमानी करने वाली हो, परमेश्वर कहता है उन मूर्तियों के ऊपर मैं न्याय करूंगा. ये मनुष्य ने बनाई हुई मूर्ति की बात नहीं की जा रही है. जो अन्य जाति के परमेश्वर को पूछते हैं, मैं उनके खिलाफ कभी बोलता रहा, कभी बोलूंगा भी नहीं. बोलने का तरीका होता है सिर्फ. ऐसी कौन सी मूर्ति को मैंने मेरे हृदय में स्थापित करके रखा है, उसको अगर मैं निकालूंगा, तब सेनाधीश परमेश्वर राजा दिला जाकर इस मंदिर में विराजमान होंगे. गीत गाते हैं हम लोग, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू विराजमान, यीशु तो है महान. और इधर एटीट्यूड में चल रहे हम लोग. क्या डायलॉग बोला था मैंने? हम ही हम है, बाकी सब पानी कम है, अपने जैसा कोई नहीं रे बाबा. ये जब आता है ना, तो ये स्वभाव स्वर्ग से जिसे नीचे फेंक दिया गया था उसका स्वभाव है. मगाटे का भी तरह मन तो गची बाधा. जब ये बाधा होती है ना, तो अच्छे अच्छे गिर जाती है. नीति वचन में ज्ञान का भाषा सुलेमान कहता है, जब अहंकार आता है तो उसका पतन निश्चय है. किसी बात का भी आगे मेरे प्रचार करने की बात हो, आराधना करने वाले अहमदास की बात हो, एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले लोगों की बात हो, कलीसिया के आने वाले लोग हो, कोई भी हो, ये बातों से मुझे दूर जाना है. इनको छूना मना है, रखना तो दूर हो गया. फिर हम उसको ले सकते. छूने की बात, हमारे हाथ में आने वाला मोबाइल, उसे मत छुओ. अभी आप कहेंगे मोबाइल को तो हम छूते हैं, हम इसी को सिर्फ पूरी बात को छूते. जब एक पोर्नोग्राफी का वीडियो आपके सामने आता है, गौर से सुनो, मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूं. जब अशुद्ध चलचित्र का भाग आता है, बेड सीन वाला भाग आता है, मोबाइल में आता ही है. आप कितना भी उसको डिलीट करो, कितना भी उसको हाइड करो, कितना भी ब्लॉक करो, कहीं ना कहीं से आता ही है. अगर मैं निगाहों से उसको एक बार देखकर अगर मुझे एहसास होता है नहीं ये गलत है, उसको निकालता हूं. लेकिन मैं उसको कहता हूं, एक बार देखा है, बार बार देखने की तमन्ना है. मैं आंखों से उसको छूता हूं और दिल में वो वासना की मूर्ति को लाकर रखता हूं. और यही वासना की मूर्ति मुझे व्यभिचार करने के लिए दौड़ाती है. मैं आंखों से छू रहा हूं, कानों से छू रहा हूं, कौन सी अशुद्ध बात? फिर घूम फिर के बाद उधर ही आ जाती है. बीड़ी मसीह, मिस्री मसीह, ताड़ी मसीह, दारू मसीह, ये कोई नहीं जाएगा स्वर्ग के राज्य में. मिस्री मसीह तो सुधरने का ही काम नहीं करे. यहां से वहां चल रहा है मिस्री का काम. हमारा विश्वास के बाप अब्राहम ने हजारों साल पहले उस मिस्री दासी को जंगल में छोड़ दिया, हमने जंगल से घर पे लेकर आए. अलग है यहां से वहां. क्या ये बात अशुद्धता की बात, इसको छुएंगे आप? कितने लोग आज छोड़ने को तैयार है? पास्टर क्या बदनाम करते हैं क्या आपको चर्च में? भले आप हाथ मत उठाओ, लेकिन अगर
ये छह प्रतिज्ञा आपके जीवन में पूरी हो तो ये लास्ट पॉइंट कहता है जो अशुद्ध है उसको मत छू। गुटखा हो, तंबाकू हो, सिगरेट हो, कभी कभी की 90 हो या रोज का हाफ हो, आप उसको नहीं छूओगे तो आपके जीवन में ये प्रतिज्ञा जरूर पूरी होगी। आमेन, हालेलुया। अब इस साल की प्रतिज्ञा में परमेश्वर आपको ग्रहण करे, ये मेरे दिल की दुआ है। भले आपकी कमाई ना बढ़े, नो प्रॉब्लम, लेकिन मेरी दुआ क्या है पता है? आपने उसको ग्रहण किया है, वो आपको ग्रहण करे, ये साल आपको ग्रहण करने वाला साल बने, तुम्हारा स्वीकारण्याचं वर्ष बनावं, ही माझी इच्छा है। और जब आप उसके बच्चे बनोगे, पुत्र और कन्या, तो मुझे आपको बताना है आप योद्धा बनोगे। आमेन, क्योंकि वो हमारा राजा है और हम उसके योद्धा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो चाहता है हम योद्धा बने। जो बच्चे बसी है वो अभी मैच्योर बन जाए। छोड़ दो इन सब गलत बातों को, हमारा विषय यही है पवित्रता में सिद्ध हो, पवित्र याला पूर्णता आणू। धन संपदा तुमच्या घरापर्यंत येईल पण पवित्र याला पूर्णता। कुछ लोगों के दांत बताते हैं कि अभी तक गुटखा छूटा नहीं है, कहां से आशीष आएगी? अगर आपको आशीष चाहिए, प्रतिज्ञा को पालन करने के लिए शर्तों का पालन करना है। शर्तों का पालन नहीं करोगे, ये वो भी वचन का परमेश्वर नियम और शर्तों पे चलता है। क्या आपको एक वचन पता है? मत्तयी 7:7, शोधा म्हणजे सापडेल। कधी सापडेल? शोधलं तर। ठोका म्हणजे उघडेल। कधी उघडेल? ठोकल्यावर। कधी सर खोल दे दरवाजा, अग भो सर हे बाई ओपन, कामाला ठेवले तिथं स्वर्ग, तर उघडा याच्यासाठी स्वर्ग। हेवन कब खुलेगा? जब मैं उसकी तलाश में जाऊं, कब मैं खटखटाऊंगा। हर एक बातों की शर्त है। आशीष प्रतिज्ञा के द्वारा कब मिलती है? जब मैं शर्तों का पालन करता हूं। और शायद ये साल हम शर्तों पर ही चलेंगे। प्रतिज्ञा पूरी हो ना हो, लेकिन खुदा से कहो मैं शर्तों का पालन करूंगा या करूंगा। भले मेरे जीवन में आज काम हो ना हो, लेकिन इन अशुद्ध बातों को मैं छूंगा नहीं या छूंगी नहीं। भले मुझे आशीष मिले या ना मिले, लेकिन प्रभु मैं इन गलत बातों से अलग हो जाऊंगा या अलग हो जाऊंगी। भले मेरे जीवन में काम हो ना हो, लेकिन परमेश्वर मैं इन लोगों के बीच से निकल जाऊंगा। यशया नबी को दर्शन कब हुआ? अशुद्ध होता शुद्ध झाले। यशया नबी को सेवकाई बड़ी कब मिली? जब उसने कबूल किया। बाइबल का मेजर प्रॉफिट, जब स्वर्ग खुला और उसने सुना पवित्र पवित्र पवित्र, तब वो कहता है हे प्रभु मैं अशुद्ध होठों का और अशुद्ध होठों के लोगों में रहने वाला। अगर पहले अध्याय से पांचवे अध्याय तक अगर आप पढ़ोगे तो आपको यशया नबी के द्वारा कुछ ऐसा खास सुनने को नहीं मिलेगा। नबी होने के बावजूद वो नबी अपने पापों का अंगीकार करता है और उसके जीवन में परमेश्वर उस अग्नि के द्वारा स्वर्गदूत के द्वारा छूता है। और जैसे ही छठा अध्याय खत्म होता है, सातवें अध्याय में उसी यशया नबी को उद्धारक यीशु मसीह की भविष्यवाणी दी जाती है, हमारे लिए पुत्र दिया गया है जिसके कंधों पे सत्ता है, वो अद्भुत मंत्री है, वो सनातन पिता है। ये कब हुआ? जब वो अशुद्ध होठों के लोगों से अलग हुआ, तब परमेश्वर ने उसके जीवन को उसके सेवकाई को बदल दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जब हम इन शब्दों का पालन करेंगे ना, तो आखिरी काजू कतली खिलाकर हम प्रार्थना में जाएंगे। रोमियो का 8वां अध्याय और वचन 14-16, अगर हम आज इन शब्दों का पालन करेंगे ना, हम उसके पुत्र और कन्या बनेंगे। हम क्या बनेंगे और क्या क्या बातें इसमें लिखी गई है? रोमियो 8:14-16 क्या कहता है? रोम करस पत्र 8वां अध्याय 14-16, कारण जितक्यांना देवाचा आत्मा चालवित आहे, जितको परमेश्वर का आत्मा चलाता चला है, तितके देवाचे पुत्र आहे, उतनी क्या है? देवाचे मूल आहे। अभी कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज रहेंगे, ये सिर्फ जेंट्स के लिए है क्या? जेंट्स के लिए है क्या? नहीं नहीं, दोनों के लिए। कैसे दोनों के लिए? हमें जो आत्मा के द्वारा उद्धार मिला है, वो आत्मा मेल है या फीमेल है? प्रभु के सामने दोनों एक ही। फीमेल है? नहीं, मेल।
येशूची आत्मी म्हणले का येशूचा आत्मा, पवित्र आत्मी म्हणले का पवित्र आत्मा, देवाचा आत्मा, मग काय होतं, पुल्लिंग येतं स्त्रीलिंग येतं, पुल्लिंग येतं नक्की. माझ्या समोर तर एकदम पीएचडी झालेले लोक आहेत. आप भले शरीर से आपके बाप की बेटी हो, लेकिन उद्धार पाने के बाद योहन्ना 1:12 के अनुसार यीशु पे ईमान रखने के द्वारा परमेश्वर की संतान बनते. भले शारीरिक दशा में भले किसी बाप की बेटी है, लेकिन जब उद्धार होता है, जिस आत्मा से तुम्हारे जीवन में उद्धार होता है वो आत्मा पुल्लिंग है. आप भले शरीर में स्त्री हो, लेकिन आत्मा में परमेश्वर के पुत्र हो. आमेन. ये कोई नया डॉक्ट्रिन नहीं है, ये बिब्लिकल बेस पर मैं बता रहा हूं. क्योंकि एक बार ऐसा हुआ, मुझे व्यक्ति ने आकर सवाल किया, पास्टर हमें देखते सब बातें पुत्र के लिए है, सब बातें पुत्र आमा के लिए कुछ है क्या? नहीं, भले शरीर में भले संसार में उद्धार लिंग का है क्या, आत्मा का है? आत्मा हा? आत्मा का, आत्मा का है, बरोबर ना? तो फिर किस आत्मा में हमें यीशु पुत्र बनकर आया क्या कन्या बनकर आया? क्योंकि एक अभी गलत डॉक्ट्रिन आया है, चमकती बिजली की कलीसिया बोलकर एक डॉक्ट्रिन आया है, उनका यीशु चाइना में पैदा हुआ है 1993 में, और वो लेडीज बनकर आया है, और उसने एक बाइबल दी है. बहुत सारे लोग भारत में नहीं पूरे विश्व में 40 लाख फॉलोअर्स है उनके, उनके वीडियो भी इतने भारी भारी, हमारे कुछ लोग उसको शेयर भी करते हैं, पता नहीं उनको भाई कहने वालों. वो चर्च का नाम है चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड. उनके बाइबल में लिखा है वचन देहधारी हुआ, होली बाइबल ने लिखा है वचन देहधारी हुआ, एक गलत कल्ट आ रहा है, और उनका यीशु फीमेल बनकर आया, स्त्री बनकर आया, झांसिंग वॉक ऐसा नाम है उस व्यक्ति का. चाइना में से क्या क्या आ रहा है क्या बोलू, वायरस आया, गलत डॉक्टर आया, उसमें वही लोग बचे रहेंगे. हाँ, इस वायरस में कौन बचा रहेगा? जो पवित्रता में सिद्ध होगी. आमीन. क्रिसमस के दिन बिशप डॉक्टर अमोस सिंह ने मैसेज का अंत किया, उन्होंने कहा जो नए साल में पवित्र जीवन जीने की कोशिश करेंगे उन्हें वायरस क्या, वायरस का बाप भी छोड़ पाएगा. आमीन. हालेलुया. आप छुएगा तो भी वो खत्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम नहीं लड़ेंगे, लड़ने वाला वो है. आमीन. युद्ध बिकॉज युद्ध परमेश्वर से, बैटल बिलोंग्स टू गॉड एंड विक्ट्री बिलोंग्स टू अस. आमीन. जंग खुदावर की है और फतेह हमारी है. आमीन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. कभी कभी लेकर भी जाता है वो, हम लोग भजन संहिता बोलते हैं ना, मृत्यु छायेच्या घरी तू निजात असलो तरी घाबरना नहीं. पगारे फैमिली कोविड के टाइम पे पूरी फैमिली पॉजिटिव निकली और सब डर गए, सब लोग हम लोग एकदम उनके लिए दुआ कर रहे थे. मैंने उनको बोला अभी ये समय आया है, आपने बहुत बार भजन संहिता 23 का ये वचन बोला है, अभी इसको प्रैक्टिकल करना है, अब बेड पर बैठ के रोज कहना है भले मैं मृत्यु की तराई से जाऊंगा डरूंगा नहीं, क्योंकि तेरा सोटा और तेरी लाठी मेरी सहायता. आमीन. हालेलुया. 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 और जैसे वो आए कुछ लोग बोले अगर कोरोना में जाना है, मैंने जाकर उसको गले लगाया क्योंकि मुझे पता है मृत्यु की तराई से वायरस पूरी तरह से उनके जीवन. आमीन. हालेलुया. 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 प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. बोलो यीशु मसीह की जय. जय. चलो चलो काजू कतली ले लो, कारण पुनः भीति बाळगावी. हाँ, फिर से डर लगेगा. असा दासपणाचा आत्मा, ऐसे गुलाम का आत्मा तुम्हाला मिळाला नाही. हमें गुलाम का आत्मा नहीं मिला है, तर ज्याच्या योगे जिसके द्वारा आपण अब्बा बापा अब्बा पिता असे हात मारतो. अब्बा पिता कुणाला हात मारलं जातं? बापाला का काकाला? बापाला. हा, बापाला. जो छठी प्रतिज्ञा क्या देखी हमने, वे मेरे पुत्र और कन्या होंगे. हमें जो पवित्र आत्मा की चाल चलेंगे, जो पवित्र सोच में रहेंगे, जो गलत लोगों से अलग हो जाएंगे, जो अशुद्ध बातों को छुएंगे नहीं, जो उनमें से निकल जाएंगे, जो पवित्रता की चाल चलेंगे, वो परमेश्वर को परमेश्वर नहीं तो हे अबा पिता तेरा धन्यवाद हो, क्योंकि मैं तेरा पुत्र हूं और मैं तेरी कन्या. हालेलुया. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. क्या रिश्ता जोड़ा गया है. थैंक यू जीसस. आगे अब्बा बापा, अब्बा बापा असे हात मारतो असा दत्तकपणाचा आत्मा तुम्हाला मिळाला आहे. कोणता आत्मा? दत्तक. भले आपको धीरूभाई अंबानी दत्तक ले या ना ले, अब इसमें भी आपको कितना समझदार और कितना आनंद करते देखता हूं मैं. भले आपको पुना का पुना वाला आपको भले दत्तक ना ले,
लेकिन अरबों खरबों करोड़ों जो संसार के धनवान लोगों को जिसने इस संसार में लाया, वो परमेश्वर पवित्र जीवन जीने वालों को अपना दत्तक अपना वारिस बनाता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ये गाइस एम्पायर से भी धनवान हो गए। आमीन। भले हम 10x10 की झोपड़ी में है, किराए के घर में रहने वाले क्यों ना हो, लेकिन हम दत्तक पुत्र और दत्तक कन्या है जिसने सृष्टि का निर्माण किया है। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसी लगी काजू कतली? एक नंबर। आप पहले करेले का रस लेकिन केवल काजू कतली को मत देखो, देखो कुछ ऐसी बात है क्या जिससे मुझे आज अलग होना है? क्या मेरा अधिक समय मेरा मोबाइल तो नहीं ले रहा है? क्या मेरा अधिक समय मेरे दोस्त यार तो नहीं ले रहे? क्या मेरा अधिक समय दुनिया की चकाचौंध बातें तो नहीं ले रही है? उससे अलग हो जाए। अगर आप अलग होंगे ना, मुझे एक वचन याद है, पढ़ो यिर्मयाह 15:16-17, उसमें यिर्मयाह नबी को परमेश्वर ने जानबूझकर अलग किया। क्यों अलग किया? उसका मकसद वो बताता है। 5 मिनट वाड़ा देते हैं बदल क्षमा। यिर्मयाह पुस्तक 15:16-17, मला तुझी वचने प्राप्त झाली। काय प्राप्त झाली? वचने। एक वचन का अनेक वचन? अनेक वचन। अभी आपको भी वचन प्राप्त हुए कि नहीं? होय ना, बहुत होय। हो गए। हाँ, आगे। मला तुझी वचने प्राप्त झाली, हाँ, ती मी स्वीकारली। काय केली? एक्सेप्ट केली। एक्सेप्ट केली। एक्चुअल भाषांतर में ऐसा है, मानो मैंने उसे खा लिया। क्या कहा है? हाँ। वचन क्या है? रोटी है, जीवन की रोटी है, सेवन के लिए। अभी मुझे बताओ, सूंघने से पेट भरेगा या खाने से पेट भरेगा? खाने से पेट भरेगा। लेकिन हमारी दुर्दशा ये है, बहुत सारे लोग आमेन हालेलुया की ताली बजाकर वाव क्या चिकन तंदूरी थी स्मेल लेके छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन बहुत कम है जो खाकर बलवान होते हैं। आमेन हालेलुया। यिर्मयाह कहता है, तेरे वचन मेरे पास आए, मानो मैंने उसको खा लिया। तुझे वचने प्राप्त झाले ती मी स्वीकारले, तुझे वचने माझा आनंद। काय आनंद? मालपाणी आपला आनंद, दुनिया की संसारी बात मेरा आनंद, मेरा पबजी का गेम मेरा आनंद। क्या है आनंद मेरा? मेरी चैटिंग मेरा आनंद, तेरे वचन मेरे आनंद का कारण। तुझे वचने माझा आनंद, माझा जीवाचा उल्लास अशी होती। मेरी जान का उल्लास, मेरी जान का समाधान ऐसे होंगे। माझा जीवाचा उल्लास अशी होती कारण, क्योंकि हे परमेश्वर, हे परमेश्वर सेनाधीश देवा, सेनाधीश परमेश्वर, तुझे नाम घेऊन मी अपनास तुझा म्हणवित। इधर एक्चुअली मुझे एड करना था लेकिन मैं भूल गया। कर नए नियम में क्या किया है? वो हमको ग्रहण करेगा, मतलब हम उसके होंगे। लेकिन यहाँ पे अगर वचन मेरे जीवन का आनंद होता है तो मैं उसका होता हूं, मैं तेरा हूं, तू मेरा, तू मेरा। हमें आगे विनोद करणाऱ्या मंडळीत मी बसलो नाही। कोणती मंडळी? कॉमेडी। अरे अभी तो बहुत कॉमेडी करने वाली कलीसिया आहे। ऐसे ऐसे जोक, ऐसे ऐसे लोग भी उधर जाते हैं, कपिल शर्मा शो। लोगों को जीवन परिवर्तन नहीं चाहिए। वाह काय बोलले पाडस साहेब, विनोद करणाऱ्या मंडळीत मी बसलो नाही, म्हणजे येणार का यिर्मयाह? काय तुमचं राजू ठाकूर लय कडू बोलतो राव, त्याला काय हसवत नाही काय नाही। 2021 पासून डोकं फिरले बोले त्याच। कुठं तो राजू अल्लडच्या पण संपर्कात आला, तो भी ख्रिसमसला येऊन ठोकून गेलाय। दाढीवाल्या लोकांनी हा काय वाजवलाय आमच्या जीवनात? आगे विनोद करणाऱ्याच्या मंडळीत मी बसलो नाही, मी मजा केली नाही। हा मी किती वाईट, मजा केली नाही विषय ना। हाय गजा कर रे मजा, मजा करायचं लाईफ आहे। कृपेचा काळ आहे पण मंडळी चालते। तुझा हात मजवर पडल्यामुळे, तेव्हा हात पुष्पक दिवने के द्वारा मी एकांती बसलो। आज अलग क्यों कर रहा है परमेश्वर पता है आपको? परमेश्वर का हाथ आप पर आया है, भले वो हथौड़े की नहीं आया होगा,
भले वो आज फटका लेकर आया, ताड़ना को लेकर आया, उलाहना को लेकर आया, लेकिन वो हाथ इसलिए आया है आप एकांत में अलग हो जाए, अपने आप का आत्म परीक्षण करें, अपने आप को जांचे, क्या मैं उसका कहलाने की योग्यता का हूं, मैं उसका पुत्र, मैं उसकी कन्या होने की योग्यता का हूं, मेरी संगति किसके साथ है, मैं कौन सी अशुद्ध बातों को हाथों से और निगाहों से छूता हूं, मैं अभी तक ये सारी बुरी आदतों से, नशीली बातों से छुटकारा पाया नहीं हूं, और मैं जीसस लव यू कहता हूं। उसने अलग इसलिए किया आज, इसलिए मैंने शुरुआत में कहा मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं कि आप झूमते और नाचते हुए इस गेट के बाहर जाए, आप अपने आप को जांचते परखते हुए इस दरवाजे से बाहर जाए और गंभीरता से सोचे कि क्या परमेश्वर का वचन कहता है और मैं कैसा चल रहा हूं या कैसे चल रही हूं। मेरे जीवन की बुनियादी नींव सत्य वचन के ऊपर है या मौज मजा करने वाली बातों पर है। अगर उसने हमें लेपालकपन की आत्मा मतलब दत्तक आत्मा देकर हमें स्वर्ग का वारिस बनाया है, उसके संतान बनाया है, तो जिसकी संतान हमको बनाया गई है उसकी पहचान पवित्र है और वो चाहता है पवित्र परमेश्वर, पवित्र पिता की संतान पवित्र बने और हम पवित्रता में सिद्ध हो जाए। इस समय कॉल आगे आएगा जो चाहता है अपना समर्पण प्रभु को करना है, जिन्होंने चर्च की बातों को साधारण स्वरूप में लिया है, जो परमेश्वर से अनजान है, जो केवल सीजनेबल मसीह जीवन जीते हैं, जो केवल स्वार्थ से भरा हुआ मसीह जीवन जीते हैं, उनके लिए आज प्रभु उनको अलग करना चाहते हैं, प्रभु उनको उस गलत संगति से निकालना चाहता है, प्रभु उन अशुद्ध बातों को जो वो बार बार छू रहे उस अशुद्धता से बाहर निकालना चाहता है, अब वही लोग छुटकारा पाएंगे। बाइबल कहती है कि परमेश्वर की वो बड़ी प्रतिज्ञा हमें इसलिए दी गई है कि संसार की सराहट से छूटकर हम परमेश्वर के स्वभाव के सहभागी हो जाए। हो यीशु तेरी अग्नि मुझ में जलने दे, अशुद्धताएं राख हो जाए, मैं चमकता मोती बन जाए। हाताची घड़ी घालून किंवा इकडे तिकडे बघून काय मजा नाहीये। जर तुम्हाला आज जीवन परिवर्तन पाहिजे तर या गुडघ्यावर मी सांगतो म्हणून नाही, जर खरंच वाटते कि मी या गोष्टीतून वेगळं व्हावं, मला देवाने वेगळं करावं, मला ती पवित्र संतान बनवावी आणि मी पवित्रतेला माझ्या जीवनामध्ये प्रतिदिवशी पूर्णता आणावी, तर आज मी त्याला समर्पित होत आहे या वर्षाच्या सुरुवातीला। Yeah.
की सराहट से उत्पन्न होने वाली अभिलाषाओं से छुटकारा पाकर ईश्वरी स्वभाव के सहभागी बने। दिन प्रतिज्ञा इसलिए दिए कि हम शुद्ध होकर परमेश्वर के भय में बने रहकर पवित्रता में हम सिद्ध हो जाए। तो ये नए साल का संदेश ये शुद्ध में आने तक पवित्रता में सिद्ध होने के लिए इस कलीसिया की सहायता करता रहे। मुझे पता नहीं कितनों ने उसको ग्रहण किया है, लेकिन अगर एक भी ग्रहण करता है तो तेरा कलाम कहता है 100 पापियों से अधिक एक, 100 धर्मियों से अधिक एक पापी के पश्चाताप के लिए स्वर्ग में आनंद किया जाता है। और वो केवल आनंद नहीं तो बड़ा आनंद किया जाता है। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि आज बहुतों के हृदय से तुमने बात की है। अब मैं विश्वास करता हूँ कि यहोवा निश्चित जब जब क्राइस्ट की कलीसिया में भले कोई वरदानी लोग नहीं होंगे लेकिन चरित्रवान लोग होंगे, ये विश्वास मैं करता हूँ। एक अच्छा चरित्र रखने वाले, ना कोई कपट, ना कोई कड़वाहट, ना कोई लालच, ना कोई अशुद्धता, ना कोई अहंकार, ना कोई घमंड, ना कोई संसार की बातों में नहीं। तो प्रभु वो तेरे स्वभाव के सेवागी बनकर एक अच्छा चरित्र बनाए रखे। उनकी गवाही है जो उनके साथ पिता के सामने जाने वाले, ये अच्छे गवाह बनकर इस संसार में रहे। ऐसा यहाँ पे मौजूद और फेसबुक मीडिया से दिखने वाले सारे तेरे बच्चों पे आलोक कर। आज के कलाम का पवित्रता में सिद्ध होने के लिए पवित्र आत्मा प्रभु की सहायता। धन्यवाद, आपने हमसे धैर्य की बात की, बड़ी समय गया लेकिन हमें आपने बनाए रखा। धन्यवाद राजा, कुछ बातें रुकावट करने की आई थी लेकिन परमेश्वर उसके भी आपने अनुग्रह किया। धन्यवाद राजा, धन्यवाद प्रभु। इस तरह प्रभु आज हर व्यक्ति पर आप दया करें। अगर कोई बीमार यहाँ बैठा है उसको छू दे, अगर कोई भटकाया या भरमाया गया हो उसको स्थिर कर, अगर कोई परेशान है उसको दे आपकी या वो शालोम नाम की शांति, अगर कोई तुझसे दूर है उसे इर्मिया नबी के समान तेरे करीब ले कर, उसे अलग कर और उसका अधिक समय तेरे साथ बीते। धन्यवाद। आत्मिक, मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक और भौतिक इन सभी क्षेत्रों की आशीष ये 2022 साल में तेरे लोग प्राप्त करे। तेरे वचन पर चलने वाले बने, वचन में चलकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले, ताकि उस परमेश्वर को हर दिन अबा और पिता कहकर पुकारे। धन्यवाद, धन्यवाद। आपने हमें, हमारी योग्यता नहीं थी लेकिन आपने हमें आपकी संतान बनाया। धन्यवाद। थैंक यू जी। सभी को तेरे हाथों में सौंपता हूं। यीशु नासरी जो था, जो है और जो आने वाला, उस अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, उस यीशु नासरी के जीवित जलाली सामर्थ्य नाम में मांगता हूं।